क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि सर्दियों के अंदर पड़ने वाली धुंध, जो कि पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, ये हवा में अटके हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि पैराट्रूपर जब जहाज से छलांग लगाता है तो पैराशूट खोलने के बाद वो एक ही रफ्तार से क्यों नीचे आता है? और अगर इस जैसे और भी बहुत से सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे लेक्चर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स का अनदर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। बोर्ड के अंदर ये जस्ट डेफिनेशन भी आती है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। कॉन्सेप्ट्स आपने लेने हैं ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे और आपके जहनों के अंदर ना चाहते हुए भी ये बैठ जाए और आपको बार बार किताब खोल के पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जब भी आपके जहन में टर्मिनल वेलोसिटी आए तो आपके फौरन जहन में सारा डेटा फ्लैश की तरह सामने आ जाए। सो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? देखिए, टर्मिनल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है, टर्म खत्म कर देना, एलिमिनेट कर देना, जो एक्सेलरेशन को एलिमिनेट करके आती है, जो एक्सेलरेशन को जीरो करके आती है, जो कि एक्सेलरेशन को खत्म करके आती है, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। अगर याद पड़ता हो, इसका जिक्र 9th क्लास में भी हुआ था, 9th की फिजिक्स के अंदर भी हुआ था, तो यहां भी हम इसे डिटेल से जानने लगे हैं। फर्ज करिए आपके पास, इसको एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम कंसीडर करते हैं, हमारे पास एक वाटर ड्रॉपलेट है, एक शबनम का कतरा है, एक धुंध का कतरा है, जो कि बड़ी तेजी से ऊपर से नीचे आ रहा है। मान लीजिए, मैं इसको समझाने के लिए करता हूं, ये आपके पास अर्थ है, बड़ी रैपिडली छोटा सा टाइनी सा वाटर ड्रॉपलेट बड़ी तेजी से रफ्तार के साथ कहाँ आ रहा है? नीचे, जमीन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से भागता हुआ तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, किसी क्लाउड से गिरा, जबकि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद था, वो नीचे आया। ठीक है, बड़ी रैपिडली नीचे आ रहा है। अब आप देखिए, नीचे आते हुए इसे कौन सी कुव्वत खींच रही है? जमीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जमीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसे नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसकी वेलोसिटी आप जानते हैं, जब कोई चीज बहुत ऊंचाई से नीचे की तरफ आती है तो कंटिन्यूसली इसकी रफ्तार जमीन के नजदीक आते हुए रफ्तार बढ़ती चली जाती। जैसे जैसे वो जमीन के करीब पहुंचेगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। इसका मतलब, जैसे जैसे जमीन की करीब आता जा रहा है, जमीन की ग्रेविटी के करीब करीब आता जा रहा है, पहले भी ग्रेविटी के अंदर था लेकिन जमीन के करीब आ रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं फासला कम होने से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बढ़ती है। इसकी रफ्तार वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या कर रही है? कंटिन्यूली इंक्रीजिंग, बढ़ती जा रही, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जैसे जैसे करीब आएगा उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। गौर करिएगा, जैसे ही ये जमीन के करीब पहुंचेगा, एक टाइनी सा ड्रॉपलेट है, बहुत छोटा सा, बड़े बामुश्किल हमें ये नजर आता है। जब हम धुंध से गुजरते हैं तो हमारे कपड़े वेट हो जाते हैं, वरना हमें वाइट सी फोग नजर आती है, धुंध सी नजर आ रही होती है, वाइट कलर की क्लाउड से नजर आ रहे होते हैं, जिसे हम धुंध कहते हैं। वो टाइनी पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने कपड़ों को आयरन करने से पहले आप उसे स्प्रे गन से पानी शावर करते हैं, वो पानी के छोटे छोटे कतरे इतने बड़े होते हैं कि वो नजर आ रहे होते हैं। जैसे नाई के पास, बार्बर के पास चले जाएं तो शेव करने के बाद वो क्या करता है? शावर करता है आपके मुंह पे, वो टाइनी से कतरे आपके मुंह पे गिरते हैं। ऐसे ही पानी के टाइनी से ड्रॉपलेट्स हैं, जो कि क्लाउड की, आप जानते हैं, बारिश होने के नतीजे में बड़े ड्रॉपलेट होते हैं, लेकिन सर्दियों में क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर जो पानी है वो आप जानते हैं कूल डाउन होता है, ठंडा होता है, और वो शबनम की शक्ल उतर रहा है, जमीन के नीचे इतनी कूलिंग है कि वो आपको लगेगा जैसे हवा में अटका हुआ, और कैसे, वजह आज जानने की कोशिश करेंगे। ये पानी का ड्रॉपलेट जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहा है, हम जानते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नीचे, लेकिन एक ऐसी फोर्स भी है जिसको अपोज कर रही है, जिसका जिक्र स्टोक्स लॉ के अंदर हुआ, ड्रैग फोर्स, जिसका आइडिया स्टोक्स ने दिया कि जब भी हम किसी फ्लूइड, हम जानते हैं फ्लूइड क्या, यहां एयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, एयर है, डस्ट है, तो बताइए जरा, ये जो फोग ड्रॉपलेट है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, ये क्या करेगा? नीचे की तरफ बड़ी तेजी से आ रहा था, लेकिन क्या होगा, इसके रास्ते में क्या आने वाली है? हर्डल आने वाली है, रुकावट आने वाली है, जो इसे कंटिन्यूसली रोकेगी, और उसका रुख किस तरफ होगा? वर्टिकली अपवर्ड, और उस फोर्स का नाम है ड्रैग फोर्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसे नीचे खींच रही है, ड्रैग फोर्स ऊपर है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसे नीचे खींच रही है, ड्रैग फोर्स ऊपर है, हर जगह पे
जब ये जमीन के करीब पहुंचेगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और ड्रैग फोर्स की वैल्यू इक्वेट कर जाएगी। फोर्स ऑफ, क्योंकि कंटिन्यूसली जाता जा रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींची, ड्रैग फोर्स रगड़ की फोर्स से ऊपर की तरफ, क्योंकि आप हवा में से फ्लूड में से ट्रेवल कर रहा है, ये पानी का कतरा फ्लूड क्या करेगा, से अपोज करेगा, रोकेगा, इसकी मोशन को स्लो डाउन करेगा, और नतीजा आहिस्ता आहिस्ता से उसके पास इतनी फोर्स आ जाएगी इस इन्वायरमेंट में मौजूद एयर के पास कि वो क्या कर सकेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को ओवरकम कर लेगी, उसके अपोजिंगली इक्वेट कर जाएगी, उसके बराबर फोर्स लगा लेगी। इसका मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ड्रैग या ड्रैग फोर्स के, जो कि स्टोक्स लॉ में स्टोक्स ने एक्सप्लेन की थी, ड्रैग फोर्स के इक्वेट कर जाएगी। ठीक है, ये कब मुमकिन होगा, जब वो रैपिडली, इसका मतलब नीचे आते आते उसकी रफ्तार तेज होती जा रही, लेकिन ड्रैग फोर्स उसे स्लो डाउन करती जाएगी, तेज होना चाह रहा है जमीन के करीब आते हुए, स्लो डाउन करता जाएगा, और जमीन के एन मुमकिन है, यहां आप खड़े हैं, यहां आके वो पानी का टाइनी सा ड्रॉपलेट जो आपको नजर भी नहीं आ रहा था, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नीचे और ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ ओवरकम कर जाए, तो क्या नतीजा निकलेगा, एक नीचे की तरफ फोर्स, एक ऊपर की तरफ फोर्स, और नतीजा नेट फोर्स जीरो। कैसे, कि ड्रॉपलेट को मैं बड़ा करके दिखाता हूं, देखिए इसे ग्रेविटी की फोर्स नीचे खींच रही है, ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ है, ये जब इक्वेट कर देंगी तो नेट फोर्स क्या आएगी आपके पास, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू नेट फोर्स, टोटल फोर्स कितनी, दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नीचे की तरफ, एक ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ। गौर करिएगा, वेट नीचे की तरफ फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेट होता है, जितना किसी चीज का वेट मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ। और दूसरी चीज क्या है, ड्रैग फोर्स किस तरफ, वर्टिकली अपवर्ड, दोनों माइनस होंगी, और रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा होगा, वेट की फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ड्रैग फोर्स अपवर्ड, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, और नतीजा क्या आने वाला है, नेट रिजल्ट क्या आने वाला है, जीरो जीरो। इसका मतलब वेट की फोर्स अगर 20 न्यूटन है, ड्रैग फोर्स भी जब 20 न्यूटन बन जाएगी, रिजल्ट विल बी जीरो न्यूटन, नेट फोर्स जीरो है। और नेट फोर्स जीरो हो तो आप जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पढ़ चुके हैं, जब बॉडीज पे नेट फोर्स जीरो हो, या तो बॉडी रेस्ट में होती है, या फिर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर एक्सेलरेशन नहीं होता। वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी में जब चेंज नहीं है, नो एक्सेलरेशन। इसका मतलब उस वक्त जो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, उस वेलोसिटी का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी, जिसने एक्सेलरेशन को खत्म कर दिया। कैसे मुमकिन हुआ, कि नीचे की तरफ वेट ड्रैग फोर्स को अपोज कर रहा है, ड्रैग फोर्स उसे अपोज कर रही है, वेट नीचे, ड्रैग फोर्स ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता तेज होता जा रहा था, लेकिन ड्रैग फोर्स की वैल्यू बढ़ती गई। मुमकिन हुआ कि जमीन के करीब पहुंचने पे, जमीन से इस कदर बुलंदी पे नेट फोर्स, जो ड्रैग फोर्स थी, उसने अपोज कर लिया, उसने उसके मुताबिक अपनी फोर्स इक्वेट कर ली, प्रोड्यूस कर ली, और नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ। और आप जानते कि ऐसा क्यों हुआ होगा, कि सरफेस के करीब की डेंसिटी ऑफ एयर ज्यादा है, सरफेस से ऊपर ऊपर की डेंसिटी कम है, तो नतीजा यह हुआ कि जैसे ही वो नजदीक जमीन के आया, तो ड्रैग फोर्स की वैल्यू, हवा के मॉलिक्यूल्स की एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगी, और नतीजा दोनों की वैल्यूज इक्वेट कर गई, तो नेट फोर्स दोनों को कैंसिल आउट करेगी, जवाब जीरो आएगा। इस वक्त जो वेलोसिटी होगी, तो क्या हम कह सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, दैट इज द स्लोएस्ट वेलोसिटी, वो कम से कम वेलोसिटी है, जो कब आती है, जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर दें, जब नेट रिजल्ट क्या आ रहा हो, नेट फोर्स आपके पास जीरो आए, सम ऑफ फोर्सेस आपके पास जीरो आए, नेट फोर्स इज वेट माइनस ड्रैग फोर्स, जिसके अंदर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, उस वेलोसिटी का नाम टर्मिनल वेलोसिटी है। व्हेन एक्सेलरेशन टर्मिनेट हो गया, एक्सेलरेशन खत्म हो गया, अब उस ड्रॉपलेट पे है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आए, इतना स्लोली आएगा कि शायद एक घंटे के अंदर एक मिलीमीटर नीचे आए, शायद एक घंटे के अंदर 2-5 सेंटीमीटर नीचे आए, तो हमें ऐसे लगेगा जैसे ड्रॉपलेट हवा के अंदर अटका हुआ है, क्योंकि इतना टाइनी है, इतना छोटा है, पहले बड़ी तेजी से आ रहा था, लेकिन ड्रैग फोर्स और वेट की फोर्स जब एक दूसरे के इक्वेट हुई, तो उसने क्या किया, फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया, तो वो एक ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, जिसका नाम टर्मिनल वेलोसिटी है, मूव करेगा। आइए उस वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है। और मैंने इससे हटके भी आपको मिसाल दी, ये तो आपके पास है ना जी, आप फोग ड्रॉपलेट की बात कर रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले रिजल्ट कैलकुलेट कर लेते, फिर आपको एक और मिसाल देता हूँ पैरा ट्रूपर की, जो पैराशूट खोल के आपने देखा होगा जहाज़ों से,
एयरफोर्स के भी लोग भी करते हैं, पाक आर्मी के भी करते हैं, वैसे भी सिविलियंस होते हैं पैराट्रूपर्स जो पैराशूट का इस्तेमाल करते हुए जब पैराशूट खोलते हैं, उससे पहले आपने देखा वो बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं, जैसे पैराशूट ओपन किया एक ही विलासिटी के साथ नीचे आ रहे हैं, दैट इज़ टर्मिनल विलासिटी, और उस वक्त एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। ऊपर की तरफ फोर्स जो कि उस पैराशूट को ऊपर की तरफ धकेल रही है और उसका वजन नीचे की तरफ एक दूसरे के इक्वेट कर जाते हैं और टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है। सो यहां से हम मालूम करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का रिजल्ट। कैसे मालूम करेंगे, गौर करिएगा, नेट फोर्स की वैल्यू क्या पुट करूंगा लेफ्ट साइड पे, जीरो वेट, क्योंकि हमने कहा फोर्स इज इक्वेट होने का मतलब है इनका नेट फोर्स कितना है, जीरो। तो भाई माइनस वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, तो ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू वेट। क्या दोनों की वैल्यूज नहीं है हमारे पास, दोनों की वैल्यूज हैं, ड्रैग फोर्स की वैल्यू स्टोक्स लॉ के अंदर पड़ी, जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा वो वीडियो जरूर देखिए, स्टोक्स लॉ के अंदर ड्रैग फोर्स की वैल्यू क्या पड़ी थी, 6 pi eta r v टर्मिनल इज इक्वल टू वेट की वैल्यू। वेट हम जानते हैं मैस को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, इस फोक ड्रॉपलेट का मैस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये आ गया। हमें चाहिए टर्मिनल वेलोसिटी। अब गौर करिएगा, 6 constant pi constant eta कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, क्या है यहाँ पे मीडियम, क्या है मीडियम यहाँ पे, एयर है, गैसेस हैं, गैसेस की विस्कोसिटी यहाँ पुट करेंगे, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, आप ये सारी गैसेस हैं ना एटमॉस्फेयर के अंदर, उनकी जो विस्कोसिटी है वो मैयड है, वो विस्कोसिटी पुट कर दी जाती है। फिर उसके बाद बात है रेडियस की, क्या हम उस ड्रॉपलेट का रेडियस मालूम नहीं कर सकते, एक टाइनी सा ड्रॉपलेट बीच में से लीजिए और उस टाइनी से ड्रॉपलेट का, ड्रॉपलेट की शक्ल स्फेरिकल होती है, इसलिए मैं स्फेरिकल, कहाँ देखा गया, टैब टूटी के साथ आपने देखा होगा अक्सर एक कतरा सा साथ लटका होता है, पानी का अगर खुला रह जाए थोड़ा सा तो वो स्फेरिकल शक्ल बनाता है, या पानी का ड्रॉप जमीन पे डाल के देखिए, टेबल पे डाल के देखिए, स्फेरिकल शेप लेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्फेरिकल शेप का आसानी से क्या मालूम किया जा सकता है, रेडियस, यहाँ रेडियस पुट कर दीजिए। जी की वैल्यू हम जानते हैं जमीन के करीब करीब 9.8 meters per square. तो भाई क्या रुकावट है टर्मिनल वेलोसिटी मालूम करने में, 6 pi 3.14 eta हवा के लिए टेबल में दिया होगा, रेडियस मालूम किया जा सकता है, जी 9.8 है जमीन के करीब करीब, तो मसला है मैस का, अगर हम उस ड्रॉपलेट का मैस मालूम कर लें तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से टर्मिनल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं, या फिर मैस का जो फार्मूला बना लिया जाए, मैस इक्वेशन में आए ही ना फिर भी हमारी सहूलत है, फिर भी आसानी है, फिर भी आसानी से टर्मिनल वेलोसिटी मालूम हो सकती है, तो मैस से कैसे जान छुड़वाई जाए, अगर हम मैस से हम जान छुड़वा लें इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन बना ही लीजिए, टर्मिनल वेलोसिटी इक्वेशन क्या बनेगी, 6 pi eta r v t इज इक्वल टू एम जी, एंड टर्मिनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एम जी ओवर 6 pi eta r। ये आपके पास इक्वेशन नंबर, मान लीजिए ये 1 थी और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ मैं किसकी वैल्यू, मैस की मालूम करने लगा हूँ, मैस की वैल्यू लाइए जी, मैस की वैल्यू कहाँ से लाएं जी, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, डेंसिटी का फार्मूला पढ़ रखा है हमने, डेंसिटी आप जानते हैं, यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है उस फोग ड्रॉपलेट की, उस वाटर ड्रॉपलेट की, उसकी डेंसिटी का फार्मूला हो तो क्या आएगा, मैस ओवर वॉल्यूम, तो मैस किसके बराबर आ गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वी। तो बताइए ज़रा, मैंने आपसे कहा जो वाटर ड्रॉपलेट उसकी शेप कैसी होती, स्फेरिकल, तो क्या स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम नहीं हम जानते, मैथमेटिशियन मैथ पढ़ने वाले जिन्होंने मैट्रिक तक मैथ पढ़ा वो भी जानते हैं कि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 pi r³। लाइए यहाँ पुट कर दीजिए, तो मैथ का फार्मूला क्या बन गया, rho into 4/3 pi r³। ये आपके पास मैस की वैल्यू है, ये कहाँ दर्ज होनी चाहिए, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ताकि मेरे पास किसका रिजल्ट आ सके, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला बन सके, टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला बनेगा वहाँ हम दी गई मालूमात पुट किया करेंगे और आपके पास फोग ड्रॉपलेट की, वाटर ड्रॉपलेट की क्या आ सकती है, पैराट्रूपर की टर्मिनल वेलोसिटी आ सकती है। तो आइए जी क्या करते हैं, हम वैल्यूज पुट करते हैं, हम इस तरफ जा रहे हैं जी, यहाँ से इस तरफ आए, यहाँ से इस तरफ आए जी, तो बताइए ज़रा क्या बन गया फार्मूला, ये फार्मूला टर्मिनल वेलोसिटी का क्या नई शक्ल अख्तियार करेगा, m की जगह क्या आएगा बच्चों, rho into 4/3 pi r³ into g, और नीचे बच्चों नीचे क्या चल रहा है, 6 pi eta into r, क्या कटा, पाई पाई से कट गया, आर क्यूब आर स्केयर से कट गया, आर आर क्यूब ये आर से कट गया, सिक्स
फोर से कटा तो क्या बचा पीछे, गौर करिएगा, टू टू जार टू थ्री जार, तो ऊपर बटा बचा टू रो, साथ में आर स्केयर, साथ में जी, और नीचे ये थ्री आप जानते हैं डिनोमिनेटर में आ जाएगा, नीचे नीचे आएगा, थ्री किससे कटेगा, आपने देखा टू टू जार कटा था और टू थ्री जार कटा था, तो थ्री नीचे आके थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, थ्री थ्री जार नाइन, साथ में क्या बचा ईटा, नाइन ईटा, ये आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला बन गया है। और ये किसके बराबर है, टू रो आर स्केयर इंटू जी ओवर नाइन ईटा। और यहाँ से अगर मैं रिजल्ट निकालूँ, अगर सिंपली अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन देखूँ, तो ये रिजल्ट बताता है कि टर्मिनल वेलोसिटी आर स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, जितना ज़्यादा रेडियस होगा उस वाटर ड्रॉपलेट का, जितने बड़े साइज का वो वाटर ड्रॉपलेट होगा, उतनी टर्मिनल वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी। कोर्स ऐसा ही मैंने जैसे कहा आपकी, मैंने वो वाटर गन, शावर गन उसकी मिसाल करा, उसमें टाइनी से पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं फोग ड्रॉपलेट से, तो उनकी रफ्तार कितनी ज़्यादा होती है, इधर शावर किया उधर नीचे गिर गया पानी, इधर शावर किया बार्बर ने नाई ने आपके मुंह पे आ गिरा, ठीक है, टाइनी ड्रॉपलेट्स बड़े साइज के हैं, रेडियस उनका ज़्यादा है। और यहाँ से अगर आपके पास रो की वैल्यू, जी की वैल्यू, ईटा की वैल्यू और आर रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रॉपलेट मौजूद हो, तो आप उसकी टर्मिनल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। इस तरह से हम इस तरफ डेरिवेशन लेके जा रहे हैं। ये था रिजल्ट टर्मिनल वेलोसिटी का, वो वेलोसिटी जिसमें एक्सेलरेशन नहीं रहता, वो वेलोसिटी जो कब आती है, जब एक्सेलरेशन टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो आ रही हो, और आप जानते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होने के लिए हमने पढ़ा हुआ है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 2 के अंदर फर्स्ट ईयर में, और 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी थी कि सम ऑफ फोर्सेज जीरो होना चाहिए। और यहाँ कौन सी फोर्सेज हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स नेट नीचे की तरफ और एक ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ, कैंसिल आउट हुई, नतीजा रिजल्ट नेट फोर्स जीरो आ गई। अब इसकी एक और मिसाल बात कर रहा था पैरा ट्रूपर की, आपने देखा होगा पैरा ट्रूपर क्या करता है, जब पैराशूट ओपन करता है तो वो क्या कर रहा होता है, एक ही वेलोसिटी के साथ इस तरह से हिलता, इस तरह से हिलता 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 नीचे आ रहा होता है, उस वक्त इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज़ टर्मिनल वेलोसिटी। जब तक ये पैराशूट नहीं खोलता, गोली बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा होता है, और ज़मीन के करीब आने पे पैराशूट खोल लेता है और इस तरह से बहुत स्लोली नीचे आ रहा होता है और महफूज लैंडिंग होती है, वो है टर्मिनल वेलोसिटी। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, ड्रैग फोर्स क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, फोग ड्रॉपलेट पे कैसे एक्ट किया, ऊपर से क्यों तेज़ी से आया, नीचे आके क्यों स्लो डाउन हो गया, ऊपर हवा की डेंसिटी थोड़ी थी तो ये तेज़ी से नीचे आ रहा था, क्रॉस करता आ रहा था, नीचे ज़मीन के करीब की हवा की डेंसिटी ज़्यादा थी तो ये डेंसिटी ने इसे स्लो डाउन कर दिया, रोका, और नतीजा वो ऐसे लग रहा है जैसे रुका हुआ है, हालांकि वो बहुत स्लोली नीचे आ रहा, हमें महसूस तक नहीं हो रहा। ये था हमारा टॉपिक, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के अंदर सवाल भी है, व्हाई फोग ड्रॉपलेट्स अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर, धुंध के कतरे हवा में अटके हुए क्यों नजर आते हैं, तो ये इसकी रीजन है कि दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं और ऐसे लगता है जैसा कि वो मूव नहीं कर रहा लेकिन मूव कर रहा है नीचे की तरफ टर्मिनल वेलोसिटी के साथ। ये था आज का टॉपिक, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।